यही इस समय समस्या है कि पढ़े लिखों को नौकरी बिल्कुल नहीं मिल रही है। देखो, अमीर बनने से पहले अमीर दिखना जरूरी है। अरे गुर की पता रखी रे मार गुल उड़ी उड़ी जाए। बस 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 जीपी, तुम एक दिन बादशाह बनने वाले हो, नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह, क्योंकि तुमने दो बंदों को ढूंढ लिया है। तुम पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो, बस इसी मेहनत की जरूरत है, इसी ताकत की जरूरत है, इसी समर्पण की जरूरत है। एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। कितने बड़े? इतने बड़े आदमी बनोगे, मुझे पूरा विश्वास है। जीपी तुम इतने लूज क्यों हो भाई, थोड़ा टाइट रख के चला करो। सर, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप मुझे ऊपर तक पहुंचा के ही मानेंगे। अरे बिल्कुल, मैं तुम्हें तुम अपने आप को चंद्रगुप्त समझो, मैं चाणक्य हूँ, तुम्हारा गुरु, और तुम्हें एक दिन बादशाह बनाऊंगा, इस दुनिया का बादशाह। और तुम चंद्रगुप्त ही नहीं जीपी, तुम तो सिकंदर हो। सिकंदर, सिकंदर ने मेहनत करके पूरी दुनिया को जीत लिया था, और मुझे तुम में वही सिकंदर दिख रहा है आज जीपी। तुम सिकंदर से भी बहुत आगे जाओगे एक दिन, बस तुम मेहनत करना जारी रखो। मेहनत से ही सब कुछ किया जा सकता है। सिकंदर ने इस दुनिया को जीता था, अरे तुम पूरा ब्रह्मांड जीतोगे, ब्रह्मांड। लेकिन एक बात ध्यान रहे बादशाह सर जी, एक बात ध्यान रहे, बोलो। ये दोनों लड़के जाने ना पाए कहीं। ओहो, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है क्या जीपी? है है, बहुत ज्यादा विश्वास है। अरे तुम ऐसे लड़कों के सामने ऐसा रोल मॉडल प्रस्तुत करो कि वो चिल्लाने लगे कि मुझे जीपी सर जैसा बनना है। कैसा बनना है? जीपी सर जैसा बनना। ये यही मेहनत, यही ताकत, यही जज्बा चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर जज्बा नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। बस तुम ये जज्बा और जोश बनाए रखो, एक दिन तुम्हें मैं करोड़पति बना दूंगा, करोड़पति। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने जितना भी बातें अब तक कही हैं सब मेरे दिमाग में समझ लीजिए घुस गई हैं, बिल्कुल घर कर गई हैं। यही यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। चलो किशोरी लाल, हम लोगों ने पैसा तो इकट्ठा कर लिया है, करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है तेरे के। अरे जब गजोधर ऐसे लगता है यार, जब करोड़पति बन सकते हैं हम लोग क्यों नहीं बन सकते? अरे पाँच पाँच लाख रुपए कह रहा है सैलरी उठाते हैं हम। ये आपको बात बताए? केवल राय लेना है। हाँ, करे बात को ऐसे साइड कर देना है कीड़े की तरह। बिजनेस उनका ले लेंगे यार। केवल वो हाथ पकड़ा दे किशोरी लाल, दखौरा तो खुद ब खुद उखाड़ लेंगे यार हम दोनों। केवल वो साहब यही वाला सामने वाला होटल है। चलो आगे, लग रहा है थोड़ा बैठा हुआ लग रहा है। जीपी, यस सर। बंदे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बहुत देर हो गई बैठे बैठे। नहीं, बोले तो थे। अरे सर प्रणाम, प्रणाम सर प्रणाम। अरे अरे आइए आइए आइए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं कैसे हैं? आइए, अरे एक हाथ मिलाते हैं। ये सेक हैंड, थैंक यू, सीखो। वाह भाई जीपी। हाँ सर, देखिए लोग तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल चमक रहे हैं। देखिए हीरा चुना है तुमने, हीरा। क्या बात है, मतलब ऐसे लड़के तो मैंने देखे नहीं आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में। कहाँ से ढूंढ लाया इनको? अरे मिल गए सर, सब रिश्तेदार ही हैं। हाँ, हमने सोचा इनको भी ले साथ में। इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तो किशोरी लाल है। और आपका? ढलई प्रसाद। ओहो, क्या कितना मीठा नाम है दोनों का। भाई देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि वेरी रिच, वेरी रिच। बहुत आगे जाएंगे ये लोग। हाँ तो अब बताइए, करते क्या हैं आप लोग अभी फिलहाल? सर अभी करते तो हम लोग कुछ नहीं, बस करने का प्लान है। अच्छा, ये बात बिल्कुल न्यू फ्रेश पीस है ये। इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, कोई एनर्जी भी इनकी खर्च ही नहीं हुई है, नहीं हुई। सारा एनर्जी डाल देंगे, जान डाल देंगे बिल्कुल। बिल्कुल, समझ गए। हाँ अब बताओ, सपने क्या क्या हैं तुम्हारे? अरे सपने तो बहुत थे, हमारे सपने ये थे कि जैसे हम रियल इस्टेट का बिजनेस करें, बड़ा बड़ा कंपनी लगाए, यही सब करें, लेकिन वो हो नहीं पाया। BMW से चले। हाँ, बड़ी कोठी हो, नौकर चाकर हो, हम लोगों के पास कुछ करना ही ना रहे। बस इतना ही, रात भर हम सपने ही सिर्फ देखते हैं सर। हाँ, यही यही बस इतने ही सपने देखते हैं। अरे अब और क्या हो सकता है भाई, कितना हम लोग कुछ करते भी तो नहीं है। जो सपने रात में देखते हो अब उसका सवेरा हो चुका समझ लो, वो पूरा होने का समय आ गया आज और अभी। अच्छा, और ये सपने सब तुम्हारे बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। हमारे बिजनेस के हिसाब से इतने ही हैं। ये तो छह मुश्किल से चार पांच महीने, जीपी छह महीने रख लो, छह महीने में सब पूरे। BMW गाड़ी आड़ी खड़ी होगी कोठी के सामने, 1 करोड़ वाली। लेकिन तो सर ये बताइए करना क्या होगा? ओहो, अरे करना कुछ नहीं है, जो तुम सपने नहीं देखते हो कि मैं कुछ नहीं करना। बस वैसे ही कुछ करना नहीं है तुम्हें। देखो ऐसा है, मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअली करना क्या है, सारा प्लान को समझा ही देते हैं। हाँ, समझा। देखो ऐसा है, इस पूरे जिले में
कम से कम कितने 50 लाख लोग रहते होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने रहते होंगे? हाँ। उसमें से 25 लाख लोग तो तुम्हें जानते होंगे। मैं कह रहा हूँ कोई नहीं, 12.5। हाँ हाँ बिल्कुल सर। कोई बात नहीं, 6 लाख लोग जानते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। कोई बात, 3 लाख लोग तो जानते ही होंगे सही से, 1.5 लाख तो जानते ही होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, 75,000 तो जानते ही होंगे। अच्छा बिल्कुल, नात बात रिश्तेदार मिला खोए जाई है कि तोरे ठीक है भाई। मैं कह रहा हूँ 75,000 में से अगर सारे लोग ठीक से ना पहचानते हो तो 25,000 तो ऐसे होंगे जो बाई फेस पहचानते होंगे। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल 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 सर। 25,000 और 25,000 में से 12,500 लोग ऐसे कम से कम होंगे कि जो बाकायदा तुमको बढ़िया से जानते होंगे। नहीं नहीं बिल्कुल 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 जानते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि वो भी छोड़ो, 6,000 लोग तो ऐसे होंगे जो तुम्हारी बात सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे कि नहीं? बिल्कुल सुनेंगे सुनेंगे बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ उनको भी छोड़ दो, 3,000 लोग तो ऐसे होंगे कम से कम जो तुम्हारी बात मान लेंगे तुरंत। ढेला तुरंत मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? सही बताओ, मानेंगे। अब ये बताओ, अगर 3,000 लोग तुम्हारे साथ आ जाए, एक आदमी अगर तुम्हें केवल 10,000 ही दे, तो कैलकुलेट करते हैं ये लो। अभी तुरंत मैं इनको नंबर दिखा देता हूँ, अपनी आंख से देखो। देखो 3,000 और इनको 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हुआ पढ़ो। 5। नहीं पढ़ पाए? ओहो, 3 करोड़। एक महीने में कितना कमाएंगे? 3 करोड़। ओहो, 1 करोड़ का बंगला बनवाओ, 2 करोड़ की BMW, महीने में ही पूरा हो गया सपना। मैं कह रहा हूँ अब बताओ। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है। बिल्कुल सर बिल्कुल, काम बिल्कुल, काम करना क्या है ये बताइए। वही तो, 3,000 को ये कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या करना है, बस लोगों को जोड़ना है अपने आप से। हाँ। सामाजिक काम है भाई, लोगों से जुड़ना जोड़ना है और क्या करना है, कुछ नहीं बनने ही वाले। हाँ, वही आगे चल के तुम और भी कुछ काम कर सकते हो। मतलब जैसे अब देखो, राजनीति की मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन तुम कर सकते हो, क्योंकि पैसा होगा तो सब कुछ संभव है। नहीं नहीं बिल्कुल सर, सही कह रहे सर। लीडर तो ये बनना चाहते थे, लेकिन हमने ही इनको रोक दिया, इनके पैर में कुल्हाड़ी मार दी। कोई बात नहीं, अब तुम बनोगे लीडर, असली वाले लीडर। लीडर बनेंगे ना दोनों लोग, बनेंगे अब बनेंगे लीडर। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें लीडर ही बनना है। तुम्हारे नीचे सोचो कि लोग जुड़ते जाएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे। तुम पहले 3 ही जोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ 3,000 को छोड़ दो, तुम जोड़ो 3 और 3 फिर जोड़े 3, वो 3 फिर जोड़े 3, वो 3 फिर जोड़े 3 और वो 3 फिर जोड़े 3, ऐसे 3-3 करके 3 लाख लोग तुम्हारे नीचे आ जाएंगे। सर तो हमने तो पहले ही कहा कि मैं मार्केटिंग नेटवर्क का कीड़ा बनाऊंगा। हाँ हाँ, कीड़ा बनाओगे? हाँ। ओहो, क्या क्या बात करी ढलई ने, बहुत लगन है इन दोनों में। कहां से? मैं तो बिल्कुल हैरान हूँ, ऐसे लोग कहाँ से तुमने चुना? इतने दिन हो गए मुझे मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन आज तक मुझे ऐसे लोग मिले नहीं। तुम लोगों को जोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक दिन बहुत बड़ी बनेगी, और ये दोनों अंबानी और टाटा बनने वाले हैं इस इंडस्ट्री के, बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे। तो अब बताओ, तुम लोग जुड़ने के लिए तैयार हो? जी सर। करोड़पति बनने के लिए तैयार हो? जी सर। बस बस यही जज्बा और जुनून चाहिए, फिर एक दिन तुम देखो, तुम सरताज बनोगे इस इंडस्ट्री के, सरताज। तुम्हारे सर पर ताज होगा सोने का, बिल्कुल हीरे वाला चमचमाता, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता ढलई किशोरी, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से ऐसे उड़ो, ऐसे उड़ो जी सर, और उड़ते जाओ आकाश में। ठीक है, तो अब उड़ान की पहली सीढ़ी, पेमेंट जमा करिए भाई। निकाल लो, लाइए 20,000 ना? बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, 20,000 ये लो जीपी। अब भाई आप एक छोटी बात आपसे पूछनी थी। क्या कह रहे हो? बात यह है कि जैसे हम लोगों का थोड़ा ओल्ड नाम है, ओल्ड। हाँ। अब जैसे गजोधर का नाम जीपी पड़ गया, वैसे हम लोगों का नामकरण कर दीजिए तो। अरे तुम्हारा नाम डीपी और इनका केएल। ओहो, सही है, लाल किशोरी लाल, केएल सर। हाँ। और डीपी सर, केएल और डीपी ही नाम होगा आप केवल, नेटवर्क मार्केटिंग में केवल 2 ही नाम चलेंगे, डीपी और केएल सर, और कोई चलने वाला ही नहीं है। ठीक है, ये हो गए डीपी सर और ये हो गए केएल सर। आज के बाद कोई भी अगर ढलई कहे उसे टोक देना। बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो नाम ही बनाना है। जी जी, सपने तो बाद में पूरे होंगे। ठीक है, अरे जीपी क्या कर रहे हो ऐसे पूरे विश्वास, ये देखो ऐसे नहीं चलेगा, विश्वास पे चलता है अपनी इंडस्ट्री, विश्वास पे चलती है। बस इन्होंने दिया तो रख लो,
क्योंकि ये झूठ नहीं बोलेंगे, इनको बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा क्या है कि लखनऊ में मीटिंग है मेरी, तो मुझे निकलना पड़ेगा। एक मिनट सर, माफी चाहूंगा, पर इन दोनों को थोड़ा बता दीजिए कि इनका आउटफिट कैसा हो भी है, भिखारी टाइप के लग रहे हैं। अरे ऐसे नहीं बोलते, नहीं बन गए, ऐसा थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा है, मतलब जो दिखता है वही बिकता है। तुम्हारे गाँव का सबसे बड़ा आदमी कौन है? अरे हमारे गांव के तो सबसे बड़े आदमी हमारे प्रधान जी हैं। प्रधान जी? अब प्रधान जी का कैसे पता कि वो बहुत बड़े आदमी है, कैसे देखते उनको? अरे भाई चौपहिया उपहिया से चलते हैं ना हमारे प्रधान जी। ये बात, हाँ ये बात, मतलब दिखता है ना कि चौपहिया है, सूट बूट पहने, तभी तो पता चला कि बड़े आदमी है। ऐसे तुम लोग भी कपड़े खरीद लो अच्छे वाले, पहन के निकलो, लोगों को पता ना चले कि तुम क्या करते हो और कैसे हो। जी सर, मतलब अच्छा दिखना। वैसे भी कुछ दिन में हम लोग प्रधान जी से तो आगे जाने वाले हैं ना। जी तो बहुत छोटे, तुम तो प्रधानमंत्री से आगे जाने वाले। छोटी बात सर जी। ठीक है, चलते हैं और जल्दी ही मिलते हैं। मुझे लगता है कि इस बार ऑडी में मिलेंगे। जी जी बिल्कुल, ऑडी में बिल्कुल। अमीर बनने से पहले अमीर दिखना जरूरी है। क्या बात है जी सर। जी जी ओके, ठीक है जीपी, अब निकलते हैं। ठीक है, अब तुम लोग लग जाओ, लोगों को जोड़ने में लग जाओ। एक बंदा जुड़ा, 10,000 जेब में आ गए। इस हिसाब से तुम जितने जोड़ते जाओगे उतने 10,000 जेब में, बस ये समझ लेना। बाकी पेमेंट मुझे कल आके वहाँ देना, ठीक है? जी सर, कल मैं कलेक्ट कर लूंगा जितने जोड़ोगे, मुझे फोन करते रहना। जी जी, ओके ओके, ठीक है जीपी, आओ जीपी, चलो चलते हैं, आओ निकलते हैं, देर हो रही है। तो केएल सर, आडीपी सर, हम लोग करोड़ों का सपना लेकर निकल चुके हैं। बिल्कुल, करोड़ों का नहीं, अरबों का यार। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं। तो अब काम, हमको भगवान ने रास्ता दिखा दिया है, सिर्फ सही सही उस रास्ते पे हमें चलना है। अरे रास्ता नहीं, दरवाजा खोल दिया है। हाँ, और लक्ष्मी जी हम लोगों के पास चल के आएंगे, अब हमको लोगों को जाना नहीं है वहाँ पे। चल के नहीं आएंगे, इकट्ठा कर लिया जाएगा। नहीं नहीं, सही सही कह रहे थे। तो इतनी ऊँची रखो डीपी सर। नहीं नहीं, तो अब हम ये सोच रहे हैं कि जैसे काम पे तो हम लोग निकल लिए हैं, बिल्कुल, तो अब सर से भी बताना जरूरी है कि सर हम अपने काम पे निकल लिए हैं। बिल्कुल, हम लोग एकदम फ्रंट बांध लिए हैं। हाँ, और पूरी एनर्जी के साथ आज हम लोग दो लोगों को जोड़कर ही लौटेंगे। एक तो फिक्सी कर रखा है भाई। हाँ, एक तो तुमने फिक्सी कर रखा है, कोई बहुत गरीब है क्या? गरीब नहीं है, काम करने वाला बंदा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। है अपना ना। तो हम ये सोच रहे हैं अब सर के पास भाई फोन लगा के बताया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, फोन करो। तो बिल्कुल, अरे गुर की पतर की रे, मार गुल लवाजियरा उड़ी उड़ी जाए। ढेलई, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? अच्छा, काम पे निकल लिए हो? बिल्कुल बिल्कुल, तुम लोग करोड़पति बन गए। हाँ, चेहरे से ही झलक रहा था तू करोड़पति बन जाओगे। मैं अभी मीटिंग में बैठा हूँ भाई, दिल्ली आया हूँ ना, तुम्हारे ही सिलसिले में तो आया था। नए लड़के जो भर्ती हुए हैं उनके बारे में, उनके प्रमोशन के बारे में बात किया जाए। बस काम सिर्फ एक ही करना है, सिर्फ एक ही काम अच्छे तरीके से कर ले जाओ, किसी दो बंदों को जोड़ दो जल्दी से। हाँ, ऐसे ही मेहनत और लगन से काम करते रहो। हाँ, आज जो काम मैं कर रहा हूँ आगे चल के वही काम तुम करोगे। ठीक है, बिल्कुल भाई, जोड़ो ला करके। ओके, रखते हैं फोन। छुट्टी मिला, चलो भैया। क्या हुआ भैया, लोग सुबह ही फोन कर दिए थे, अभी तक पहुंचे नहीं। चिंगी। ये डीपी सर। हाँ आइए। और हेलो सर। हेलो 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 सर। और साडू भाई कहते हैं? अरे साडू भाई बहुत अच्छा, रहे बैठो बैठो। अच्छा, इन्हें के बारे में आप बता रहे थे? ये है हमारे डीपी सर। बैठिए 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 सर, इन्हीं के बारे में आप बता रहे थे? हाँ हाँ यही है भैया। नहीं नहीं, चेहरा से तो ये बिल्कुल हमको नेता लग रहे हैं। नेता नहीं, बहुत इंटेलिजेंट है। तो इनका क्या शुभ नाम क्या पड़ेगा? शुभ नाम क्या है? चिंगी। चिंगी तो था, चिंगी जी। तो चिंगी जी ये बताइए आप करते क्या है? अरे भैया, हम आप लोग इतना पढ़ लिख लिए हैं कि हमारे लायक कोई नौकरी ही नहीं मिल रही है। ओहो, यही तो दिक्कत है, यही समस्या है। दिक्कत है हमारे पास। यही समय समस्या है कि पढ़े लिखो को नौकरी बिल्कुल नहीं मिल रही है भाई, यही समस्या है ना भाई। इतना पढ़ लिख के क्या फायदा जब कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा, हमारे लायक वो डायरी देना, ये डीपी सर लीजिए।
अरे सारू भाई चिंता करने की कोई बात नहीं, जैसी मेरी लाइफ बन गई है वैसे तुम्हारी लाइफ भी चमका देंगे। हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई कुछ बहुत दिन पहले मिला था आपसे, तो ऐसे नहीं थे आप, एकदम पूरा रुतबा ही बदल गया उसका। उसका राज हम बता रहे हैं, ये बताओ बड़ा आदमी बड़ा कैसे बना? बड़ा कैसे बना? नौकरी किया, काम किया, बिजनेस किया? नहीं 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 ऐसे नहीं बना। बड़ा आदमी बड़ा ऐसे बना कि छोटा आदमी नौकरी करता है और बड़ा आदमी नेटवर्क, नेटवर्क मतलब तार फैलाता है, नेटवर्क का तार फैलाता है। गलत कह रहा है? सही, बिल्कुल बिल्कुल सही है डीपी सर, बिल्कुल। लेकिन भाई ये नेटवर्क का तार फैलाया कैसे जाता है? बता रहे हैं, बता रहे हैं, मार्केटिंग करके। अब देखो इस समय मार्केटिंग, हाँ अब देखो इस समय हमारे कंपनी में जो वर्कर काम कर रहे हैं, अब समझ लीजिए, छोटी मिसाल लीजिए, एक भीख मांगने वाला आदमी जो हमसे जुड़ा है वो 50,000 रुपया पर मंथ कमा रहा है। अरे डीपी सर क्या बात कर रहे हैं, BMW तो बोला ही नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल बोलेंगे, वो भी बोलेंगे। BMW से चल रहा है और वो ठेला लगाता था, और ठेला नहीं वो भीख मांगता था ना। अब ठेले वाले की ही बात कर लो, जो हमारे कंपनी में काम करता है एक ठेला लगाता था, आज के डेट में वो 3,00,000 रुपया महीना कमा रहा है। यस गलत कह रहे हैं? सही सर। अरे तो भाई वो लोग ऐसा करते क्या है जो इतने अमीर हो गए? अरे वो लोग नेटवर्क, नेटवर्क, नेटवर्क का तार, मतलब बड़े आदमी सब नेटवर्क लगाते हैं और छोटे आदमी क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। अरे साड़ू भाई समझो कुछ। लेकिन भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि उसमें करना क्या रहता है? करना तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस केवल तुम बैठे हो, जैसे करो मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ ऐसे पढ़े लिखे रहे बैठे रहो, कुछ करना है नहीं उसमें। अरे दिमाग साड़ू भाई, दिमाग लगाना है खाली। अब देखो नेटवर्क का तार फैलाना है, जैसे मान लो 50,000 तुम्हें महीने का चाहिए, कहाँ से लाओगे? कोई नौकरी तुम्हारे पास है जो 50,000 लेकर आओगे? हाँ, लेकिन हमारे कंपनी में 1,000 और बढ़ा दो कितना होगा? 5,00,000 होगा। अब 5,00,000 रुपया प्रति महीना आप कमाओगे? कमा लूंगा भैया। हाँ, लेकिन ये बताओ उसमें करना क्या है? अरे करना कुछ नहीं है भैया, BMW से चलना है, बंगले में रहना है। हाँ भैया बंगले में रहना है, BMW से चलना है, लेकिन समझ में आ रहा कि करना क्या है उसमें? करना कुछ नहीं है भैया, आपको अपने सपने केवल पूरे करने हैं, उसमें ताज होटल में चाय पीना है, आराम से टहलना है, टाई बेल्ट जूता पहन के घूमना है चश्मा लगा के। अरे डीपी सर 5,000 वाली टिप वाली बात। हाँ वो अब ऐसे ही ले लो, अब जो हमारे कंपनी में सब्जी वाला वर्कर है वो कहीं किसी होटल में जाता है, 5,000 रुपया सिर्फ टिप दे के चला आता है, बेटर को पैसा दे के वैसा चला जाता है। जाओ खाओ पियो, समझेंगे बाद में, समझेंगे। हाँ। और स्कीम बताओ भाई साहब। हाँ, स्कीम बताओ भाई। अब जैसे इसमें हम आपको कुछ जोड़ नहीं रहे भैया, हम जोड़ नहीं रहे आपको, जैसे भाई कोई हीरो है अब वो शैम्पू का प्रचार करता है, ऐसे ही सिर्फ आपको हमारी कंपनी का प्रचार करना है, उस प्रचार का आपको एक चेक मिलेगा कितने का? 5,00,000 रुपए का। तो अब आपको क्या करना है? कुछ करना थोड़ा है, हम कुछ कह थोड़ा रहे कि आप कुछ करिए, सिर्फ आप प्रचार करिए। दिमाग साड़ू भाई, दिमाग नेटवर्क लगाइए, नेटवर्क। अच्छा प्रचार करना है। हाँ। लेकिन किस कंपनी का क्या प्रचार करना है ये तो बताओ भाई। वो सब बाद में बताएंगे, पहले बताओ कुछ पैसा रखे हो? पैसे? अरे यार पैसे की तो दिक्कत है, मैं सोच रहा था कि थोड़े पैसे होते तो नौकरी नहीं मिले भाई, बिजनेस कर लेते, लेकिन अरे भाई हमारे कंपनी में उतना पैसा नहीं लगता, यही तो खूबी है, यही तो खूबी है, कंपनी है। देखिए पहले हमारा कैसे फटाहाल था, बात देखिए। अरे क्या सर, इनको बताइए कि आप अदर कंपनी में जाएंगे आपका पैसा लगेगा, लेकिन हमारी कंपनी आपको 5 से 6 लाख रुपए महीने फ्री में देगी। बिल्कुल। अरे इसमें कुछ नहीं, बस आपको मात्र 10,000 रुपए फीस जमा करना है। एक बार जुड़ जाइए, देखिए ये हुलिया जो बना के रखे हैं। बस 10,000 में 6,00,000 रुपया महीना आपको चेक मिलेगा, बस आप प्रमोशन और प्रचार करिए। अगर 10,000 लगा के 5-6 लाख रुपए मिल रहे हैं, गाड़ी मिल रही है, तो भाई करूंगा भाई। अरे गाड़ी क्या, आप तो BMW से उतरेंगे ना। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारे पिसौरी भाई KL सर कैसे बन गए? अरे KL सर बन क्यों नहीं गए, इस समय अध्यक्ष हैं कंपनी की। अध्यक्ष? और बिल्कुल गोल्ड मेडलिस्ट है भैया। अरे काफी इन्होंने प्रोग्रेस कर लिया। एक काम करिए, हमको भी अपने काम में लगाइए, ठीक है, और हम भी काम करें, पैसे से कमाए, बहुत ज्यादा इच्छा है। आप कह रहे हैं पैसे आपके पास है नहीं, तो पैसे की आप व्यवस्था कीजिए। हाँ, और उसके बाद में हमें फोन करके मिलिए, आपको कंपनी में सर से बात करके जुड़वाया जाएगा। एक बार नंबर अपना डायल कर दीजिए इसमें। ये लो हो गया। हाँ हाँ, अब कल आप फोन करिएगा, कल हम आपसे मिलेंगे, उसके बाद में आप कंपनी में हमारे जुड़ जाइए। ठीक है, कल मैं पूरे पैसे की व्यवस्था करके आपसे मिलता हूँ।
ठीक है, फुल तैयारी में मिलिए। हाँ हाँ, फुल जोश में, पूरे जुनून में मिलते हैं। विचार है भाई, हमारे यहाँ का बंदा आपके मांगने के दिन गए, आज से आप अपने आप को करोड़पति समझिए, ठीक है? आइए हाथ मिलाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आप हमारे बराबर के हुए। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। नमस्कार 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 भैया, करोड़पति बनना है भैया मुझे। अरे डीपी सर, अरे फोन मिलाओ सर को, बता दीजिए कि ये क्लाइंट मिल गया है। ना बिल्कुल बिल्कुल, बधाई देना तो बनता है ना सर, बता दो कि। हेलो हेलो सर, हाँ अरे सर ये कह रहे हैं कि आज हमने शुरुआती दिन में ही, अपने पहले दिन में ही एक कस्टमर को जोड़ दिया। हाँ, और चेक बोल दो, चेक चेक बताओ। और सर वो जो हमारा चेक है ना सर, वो कल जरा लेते आइएगा और हम कस्टमर को भी लेते आएंगे, जहाँ पर मिले थे सर वहीं पर मिलेंगे। हाँ सर, हाँ सर थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर, तो कल मिलते हैं उसी जगह पे जहाँ पहले मिले थे। जी जी जी, चलो धन्यवाद सर। आता ढेला भाई, हाँ ये कोट भी वापस करना है, उसको बरात जाना है चुंगई के लड़कों को। हाँ हाँ ठीक है ठीक है।